इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बहुआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो, हो गया संपर्क? हो गया भाई साहब। नमस्कार। नमस्कार, कौन? मैं बहुआ, मेरे साथ नंद किशोर बैरागी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। ये हमारे एक्सपर्ट होते हैं और एक मुद्दे पर हम चर्चा करते हैं आप जैसे जनता के एक प्रतिनिधि के साथ, जो कि समाज को आईना दिखाकर अपने कर्तव्य को पूरा करता है। भाई साहब, क्या है? देखिए, हाल ही के दिनों में दिल्ली मेट्रो जो थी वो उससे दीवार से टकरा गई। मैजेंटा लाइन। पता है मैजेंटा लाइन जो है, मैजेंटा। हाँ, मैजेंटा लाइन। हाँ, मैजेंटा, वही वाली एजेंडा। आपका एजेंडा क्या है? मैजेंटा। आपका एजेंडा क्या है? ये कौन, क्या? एक सेकेंड, सॉरी। तो जब से हमको पता चला है कि उसने दीवार तोड़ दिया, क्यों तोड़ा, इसके पीछे बैरागी जी कारण बता रहे हैं। क्या कारण बता रहे हैं? देखिए, मैजेंटा लाइन की सबसे बड़ी दिक्कत जो थी मेट्रो के पास, अगर हम बात करें तो दो चीजें हैं। एक तो पीली रेखा है, जो कि स्त्रीलिंग है, और दूसरी फिर मेट्रो खुद भी स्त्रीलिंग है। हाँ, मेट्रो आई बोलते हैं। मेट्रो आई, मेट्रो चली गई, तो दोनों पीली रेखा और मेट्रो जो है अकेली बोर हो रही थी। तो जैसे ही ड्राइवर लेस मेट्रो का टेस्ट शुरू हुआ, मेट्रो कैसे बात करेगी? एक सेकंड, मेट्रो किसके पास बात करने गई, ये पूछ रहे हैं। जैसे ही मेट्रो बात करने के लिए गई दीवार के पास। दीवार के पास क्यों गई? क्योंकि दीवार के पास बहुत सारी बातें होती है, दीवार के कान होते हैं। कान? तो जैसे ही मेट्रो दीवार के पास गई, उसके कान के पास, तो दीवार ने बोला इधर आ। हाँ। वो नजदीक चली गई, उस नहीं संभल पाई और दीवार में से निकल गई। हाँ, तो दीवार की दो चीज टूटी है, कान और दूसरा, तो ये बताएंगे दूसरी दीवार की। बहुत गलत बोल रहे आप। गलत है, इनका नाम बैरागी जी मालूम है। धतूरा मुखर्जी खुद हंस रहे थे उस पे। आप धतूरा मुखर्जी है भाई, हंस रहे हैं, पढ़े लिखे हैं नहीं। बोल रहे हैं। इस बार की चिट्ठी बैरागी, इस बार की चिट्ठी टोरफांडा के गांव जलूबी में सीक्रेट सेंटा के गिफ्ट में सस्ता गार्लिक पेस्ट देकर कोलेस्ट्रोल का ज्ञान पेलने वाली पलूनी चमोलिया कहती है, गाइस आर एफ से रॉकिंग ऑसम। गार्लिक पेस्ट कौन देता है? 93.5 FM बजाते रहो जी। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बहुआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो। हाँ जी अंकिल, नमस्ते। हाँ बोल भाई। पीछे सब आवाज शोर मच रहा है, थोड़ा साइड हो जा। हाँ बंद हो गया। मैं कह रहा था। हाँ कहो। कभी ऐसा हुआ आपके साथ? कैसा? कि तू गाड़ी से जा रहा है। हाँ। और घर से गाड़ी लेके जैसे तू निकला, अच्छा, तेरे पीछे एक और गाड़ी लग जाए। क्या कह रहा है? हैं? क्या कहना चाहता है? कहना चाह रहा हूँ तेरे पीछे और एक गाड़ी लग जाए जिसपे पूरे काले शीशे लगे हों। हाँ। तू अपनी गाड़ी तेज भगाए, वो गाड़ी और तेज तेरे पीछे आए। क्या बोलना क्या चाह रहा है तू? वो गाड़ी अचानक तेरी गाड़ी के सामने आके ब्रेक मार के रुक जाए। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है? अरे क्या मसला, क्या है पूरा ये बता। मसला ये है कि उस गाड़ी में से 6 मोटे तगड़े लड़के निकले हॉकी स्टिक लेके और तेरी गाड़ी की तरफ दौड़े। कभी ऐसा हुआ है भाई? क्यों मत खराब कर रहा सुबह सुबह? उनमें से दो लड़के इतने गुस्से में हॉकी, तेज से हॉकी स्टिक उठाए और तेरी गाड़ी के कान यानी जो साइड के शीशे होते धड़ाक से तोड़ दे। कभी ऐसा हुआ है? दिमाग खराब है क्या? किसको फोन मिलाया है? और तेरे को घसीट के गाड़ी के अंदर से बाहर निकाल के बाहर पटक दे। कभी ऐसा हुआ है? फोन रख। काट दिया। हेलो, तूने किसी का फोन काटा हो और तेरे घर पे 4 लड़के तेरे को आके उठा ले जाएं, कभी ऐसा हुआ है? मैं तेरे को अलर्ट कर रहा हूँ, तो मेरा फोन काट रहा है। सपोज 4 लड़के, मेरे को क्या अलर्ट कर रहा है, किस लिए? कल 4 लड़के घर पे आके कभी उठा ले जाएं, तेरे को कभी ऐसा हुआ है? धमकी दे रहा है क्या सुबह सुबह तुम्हें? अभी 100 नंबर पे फोन करूंगा, तेरी उठवाऊंगा वहीं पे। हाँ, कभी ऐसा हुआ है जब तू 100 नंबर पे फोन करे और उससे पहले एम्बुलेंस घर पे आ जाए तेरे? कभी ऐसा हुआ है? अबे तेरी की क्या कहना चाहता है तू? सुबह सुबह फाट रहा मेरी है? भैया कभी हुआ है क्या ऐसा? मैं पूछ रहा हूँ आपसे। अबे नहीं हुआ है? नहीं हुआ। हाँ तो यही पूछ रहा हूँ, अगर नहीं हुआ है अभी तक। हाँ तो तू बहुत नसीब वाला है भाई, गुड लक, कभी होना भी नहीं चाहिए, भगवान से प्रार्थना है मेरी। तेरी है कौन तू ये तो बता। अभी 100 नंबर पे फोन करता हूँ, सुबह सुबह फाट रहा है सर। हेलो, इतनी बेइज्जती तूने किसी की हो और वो पलट के फिर से तेरे को फोन करे, कभी ऐसा हुआ है? अबे तेरी
ऐसा गाली देगा तेरा लक खराब होगा समझा। फिर जो मैं तेरी तोड़ दूंगा, दोबारा फोन कर दिया तो। 93.5 FM बहुआ बलनो बजाते रहो। आपके साथ कभी ऐसा हुआ अंकिल? नमस्ते। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो ठीक है। सारा बहुआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो। हेलो, हाँ जी, कौन? मैं बहुआ बोल रहा हूँ। नमस्ते जी, एक सेकेंड, मैं कह रहा था। क्या कह रहा था? मेरे पापा मुझे दिमागी डॉक्टर के पास ले जा रहे हैं। क्या बात हो गई? तो फिर यहाँ के दरबारा से वजह फोन करके। ये क्या बात हो गई? मतलब ऐसे किसी को, कोई अगर लॉजिकल है तो उसको आप दिमागी डॉक्टर के पास ले जाओगे? भाई तेरे को जरूरत ही है, लगता है मुझे तेरे को जरूरत है, लेके जाना चाहिए। मैं बता रहा हूँ अब आप, मैं बताऊंगा तो आप बोलोगे जरूरत नहीं है। पता है क्या हुआ? नहीं है जरूरत। एक सेकेंड, फोन क्योंकि मैं बता रहा हूँ, मेरे छोटे भाई का कंप्यूटर का माउस खराब हो गया। ठीक है, तो पापा ने कहा मार्केट से जाके ओरिजिनल माउस ले आया। तो इसमें क्या हो गया फिर? मेरे को लग गए 3 साल। 3 साल लग गए तुझे? हाँ, कैसे? मैं बता रहा हूँ, बता। सबसे पहले गया मैं परचून वाले के पास। परचून वाले के पास कंप्यूटर का माउस लेने? सुनना एक है क्या? एक सुनना, मैं परचून वाले के पास गया, उससे लिया मैंने डाई। क्या लिया? डाई। वो क्या होता भाई? डाई, डाई सरसों का भाई, डाई। राई? हाँ, मैं डा को डा बोलता हूँ, सॉरी भाई। अच्छा। राई लेके मैं चला गया सतपुरा के जंगलों में। सतपुरा के जंगलों में क्यों गया? वहाँ पर राई का बना दिया पहाड़। क्या है क्या? पहाड़ बनने में लगे 3 साल। जैसे अच्छा। पहाड़ बना, पहाड़ को खोदा, खोदा पहाड़ निकला चूहा, बस ओरिजिनल माउस मिल के मिल गया घर पे। जब पैदा हुआ था सिर पे चोट लगी थी क्या? और पता है इतना ओरिजिनल था कि वायरलेस माउस था, छोटा सा वायर था पीछे, लेकिन वायर। मैंने उसको तेरा बाप तेरे साथ सही कर रहा है, तुझे डॉक्टर का पास नहीं, पागल खाने छोड़ आना चाहिए। फिर मैंने उस वायरलेस माउस को सॉकेट में डाले तो उसके कान खड़े हो गए, पता नहीं क्यों। हाँ सर, मजे भी ले रहा है, गलत भी बोल रहा है। फोन रख, फोन रख जी। इतना चीची बोलता है कोई अंकिल? 93.5 FM बहुआ बल्लो बजाते रहो। नमस्ते। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो ठीक है। सारा बहुआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो, हाँ जी, कौन? अंकिल जी नमस्ते। हेलो अंकिल जी, किसको बोल रहे? आपको से 1 मिनट बात करनी थी। हेलो, हाँ जी, मैं कह रहा था लोग ना सच जानना चाहते हैं, भविष्य जानना चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं आने वाला साल उनके लिए कैसा रहेगा। तो हमारी तरफ से हम कई लोगों को बोल रहे हैं कि हम फ्री में उनको सुझाव देंगे। ओके। और उनको ये बताएंगे कि आने वाला साल उनके लिए, समाज के लिए, उनके परिवार के लिए जी, उनके दोस्तों के लिए हाँ, उनके सगे संबंधियों के लिए, पड़ोसियों के लिए पड़ोसियों के लिए और गर्लफ्रेंड के लिए, गर्लफ्रेंड के लिए और किसके लिए? औकात में रहिए, आपकी आवाज से लग नहीं रहा आपकी होगी। औकात तो मज्जा मैं के मारूंगा तेरे को। सॉरी 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 सॉरी, काम की बात कर सिर्फ। मैं वही बोला अगले साल क्या क्या होगा सुन लीजिए। देखिए हाँ, अगले साल पूरे साल भर में मिला के हाँ, जहाँ तक मेरा कैलकुलेशन है, एक सेकंड पेपर पे लिखा है, कुल 12 महीने होंगे वैसे अगले साल। तो इसमें नया क्या है? हर साल ही 12 महीने होते हैं। एक सेकेंड 26 जनवरी को हाँ परेड होगी दिल्ली में, शानदार परेड। अरे तो पागल है क्या? मेरे को एक सेकेंड, फरवरी में पूरा देश वैलेंटाइन डे मना सकता है। यार तुम फरवरी में वैलेंटाइन। हेलो, नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, कट गया था। ऑफिस जा रहा हूँ, मेरे को रुकी है। मई और जून आते आते गर्मी पड़ सकती है अलग अलग इलाकों। मैं अभी एक मैं पागल 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 कोई नहीं है, मैं बता रहा हूँ। अक्टूबर जाते जाते ठंड आ सकती है, नवंबर में दिवाली मनाई जाएगी, मैं आपको बता रहा हूँ। इस पूरे साल भाई साहब, हेलो मेरी बात सुन, इस पूरे साल साइकिल हो या मोटरसाइकिल, सुनिए हाँ जी, वो 2 पहियों पे चलाई जाएगी। ऐसा मैं वहीं आकर फाड़ दूंगा, फोन नहीं रखा, 2 मिनट फोन रख। गलत क्यों बोल रहे हैं? अब मेरी बात सुनो, हाँ क्या कह रहे हैं? मेरे गांव में अगले साल बांस के 4 पेड़ ना
आठ इंच बड़े हो जाएंगे और वो चारों पेड़ ना तेरी घुसेड़ दूंगा, पार निकाल दूंगा। आप भी भविष्यवाणी कर रहे हैं। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारे बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो हेलो, थोड़ी गड़बड़ आ रही है आवाज भाई साहब। अंकिल नमस्ते। हाँ नमस्ते, कौन? मैं कह रहा था मैं बउआ हूँ, लेकिन कौन से ज्यादा क्या इम्पोर्टेंट है दुनिया में? काम क्या है आपको? काम ये है कि किस चीज का महत्व है, लोग पूछते हैं किस चीज का महत्व है। अरे भैया बात किससे करनी तुमको? देखिए करनी तो मुझे जनता से, पर कोई कोई फोन उठा के बात कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है, कोई गंदा बोल रहा है। आप अगर दो मिनट दे दें तो मैं काम की बात करके फोन रख दूं। जल्दी पूछो। है पूछना नहीं, कहना है मुझे कि महत्व किस चीज का है। खेल में क्रिकेट का, शरीर में पेट का, और कम्युनिकेशन के लिए इंटरनेट का बड़ा महत्व है। बताओ आगे। आगे बताऊं? व्यापार में घाटा का, हेलो, लड़ाई में चांटा का, किचन में आटा का बड़ा महत्व है। बारात मेन टॉपिक यही है कि बारात में दूल्हे का और रसोई में चूल्हे का बड़ा महत्व है। हैं ससुराल में जमाई का, परदेश में कमाई का, जाड़े में रजाई का और दूध में मलाई का बड़ा महत्व है। अबे थोड़ी बता तो क्या महत्व है, एक तमाचा मारूंगा पीछे। एक सेकेंड। सलाद में मूली का, फूल में जूली का, सजा में सूली का और स्टेशन पे कूली का बड़ा ही महत्व है। ये तो बता महत्व कहाँ? गलत बोल रहे। सब्जी में आलू का, बिहार में लालू का, नदी में बालू का, जंगल में भालू का बड़ा ही महत्व है। तुम्हारी महत्व निकालो, तुम हो कहाँ पे यार? पकवान में पूरी का, रिश्तों में दूरी का और रसोई में छुरी का क्या है भाई साहब? एक सेकंड, आप क्या गलत क्यों बोल रहे हैं? एक मिनट रुक, मैं बताता हूँ। क्या बता रहे हैं आप, क्या बता रहे हैं? देश के लिए झंडे का और तेरे लिए डंडे का बहुत महत्व है। क्या बात है, देश के लिए झंडे का और मेरे जैसे के लिए डंडे का, लेकिन डंडे का करेंगे क्या आप? सड़क से घूमने वाली सांड का और डंडे से टूटने वाली। मैं जानता हूँ आप यही कह रहे हैं, बड़ा महत्व। गलत आदमी। 93.5 FM बजाते रहो बउआ बोल रहे। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारे बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो हेलो भाई साहब। हाँ जी बोलिए। अंकिल जी नमस्कार, मेरे साथ मेरे साथ हमारे एक्सपर्ट नंद किशोर बैरागी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। हेलो। हाँ, भारत को साउथ अफ्रीका के साथ दूसरा वाला मैच हर हालत में जीतना है जी, 25 साल का हिसाब करना है। है जी, पहला वाला हार गए थे। हाँ हार गए थे। तो दूसरे वाले को जीतने के लिए हमें किस चीज की जरूरत है, इसी में हम चर्चा कर रहे हैं। आप जैसे एक जनता की तरफ से हमने प्रतिनिधि बुलाया है, जो समाज को आईना दिखाकर अपना कर्तव्य निभाता है। मेरी बात तो सुनिए। सुन तो रहे ना, चिल्ला क्यों रहे भाई? अबे फोन तूने मिलाया है तो एक से चर्चा में भी ले रहा है मुझे बिना पूछे। अच्छा सुन तो लो, सॉरी लग गया तो सुन लो। बोल कहाँ से रहा है तू? बता देंगे यार, लेकिन सुन तो लो एक मिनट। नहीं वो तो मैं सुन ही रहा हूँ। एक तो सेकंड, मैं बता रहा हूँ बैरागी जी के साथ एक बार इसी बात पे भाई साहब सब बता देंगे। एक मिनट चलो भाई, ये कहाँ से चुप पकड़ के लाए? एक सेकंड, गुद्दी में रहता आ रहा पीछे देख। मेरी बात तो सुनो तो ले। अरे एक सेकंड, ये सुनना ही नहीं चाह रहा है। एक सेकंड रुक जा भाई, तू तो यार। अरे रुक जा, तू बात ही नहीं, बात तो सुन ले बैरागी। एक काम करे बैरागी जी, एक बार इसको ही बोलने दीजिए। बोल चल बोल। बोलो। अरे मैं क्यों बोलूं? तू मेरे को कह रहा है तू चर्चा करो, ऊपर से चर्चा में तुम बता रहे हो कि तुम होगे क्या कि तो वो अपने आप को ज्यादा क्या समझ रहे हो कि हम हैं तो हम बताएंगे है भाई। हेलो। हाँ ज्ञानी। हाँ बोल लेना और बोल और बोल तब बोले हम बोले भाई तू मले अपनी तो फोन कर। इनका नाम क्या बैठा की जी? रमनचो गोली। आप रमनचो गोली है भाई साहब? गोली दे दूंगा। तो रखो ना फोन, हमको बोलने तो दिया नहीं, टॉपिक तो बता नहीं दिया। बोल बोल नहीं रहा है, काट दिया। इस बार तूने टॉपिक बता पाए ना, चर्चा कर पाए। इस बार की चिट्ठी बैठा की जी, इस बार की चिट्ठी अल्जीरिया के छिछलू गांव में, बादाम रोगन की सीसी में कच्ची घनी तेल डालकर पूरे परिवार का चुमंगल सावधान करने वाली समगुलची तियाला कहती है गाइस, एफ से रॉकिंग। समगुची जी, एफ से रॉकिंग तो कतई नहीं होता। मकर संक्रांति की, लोहड़ी की, वर्ष की, सबकी बधाई। रेड FM बजाते रहो, स्नान भी हरिद्वार में। तो इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारे बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो हेलो। हाँ जी कौन? आवाज गूंज रही है भाई साहब। हाँ जी बोलिए। हेलो। हाँ जी
हेलो, मैं बउआ बोल रहे थे, नमस्ते जी। जी नहीं, रेड मतलब दोनों, मतलब काम सॉरी 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 मैं कह रहा था आपसे कि आप जूते पहनते हैं। तो भाई वो तो हर कोई पहनते हैं, कैसे जूते ने आपको काटा है कभी? नहीं नहीं, लेता हूँ तभी काटते हैं ज्यादा, नहीं लेते। लेकिन आपको कभी पता है जूते काटते क्यों है? इतिहास में पहली बार जूते ने कब काटा? नहीं ऐसा कुछ, ऐसी जूतों की हिस्ट्री मेरे को कोई आइडिया नहीं है। मैं बताता हूँ आपको पहली बार कब काटा। मैं इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ। नहीं, एक से अच्छा सुनो, एक खत्म कर दूंगा फटाफट। जूता, हाँ, जूता जो होता है बेसिकली वो सालियाँ चुड़ाती है। कनेक्शन देखना आप, जूते चुड़ाती है साली। साली का भाई होता है साला। साला गाली भी होती है। गाली देने पे मारपीट हो सकती है। मारपीट करोगे पुलिस आएगी। आ गई पुलिस, मतलब कानून। कानून के हाथ लंबे होते हैं। लंबे तो अमिताभ बच्चन भी होते हैं। अमिताभ बच्चन एक फिल्म में थे, दीवार। दीवार में उन वो स्मगलिंग करते थे। एक मिनट, इतना बातें करने का टाइम कहाँ से लाते हैं? दीवार में वो स्मगलिंग करते थे। स्मगलिंग सोने की भी होती थी। हो गई। सोने के दांत भी होते हैं। दांत नकली भी होते हैं। नकली मेरे दादाजी के भी दांत थे। दादाजी मंदिर जाते थे। मंदिर जाने से पहले जूते बाहर रखते थे, चमड़े का बेल्ट और घड़ी वड़ी बाहर रखते थे, और नकली दांत भी बाहर रखते थे। अच्छा। लेकिन दांत जमीन पे रखेंगे तो दांत मैले हो जाएंगे, इसलिए दांत को जूते में छुपा देते थे। एक दिन जूते ने एक दिन उसी जूते को एक चोर ने चुराया, आगे जाके पहना, अंदर जो दांत थे उसने जूते के अंदर से उसको काट लिए। पहली बार इतिहास में जूता तभी ने काटा था क्योंकि उसके अंदर दांत हो गया। हाँ, आप बताओ, हो गया तो धो लो, खत्म हो गया। काम कर, दादाजी के जूते ना उसी से। अरे गलत नहीं। बात खत्म। 93.5 FM बहुआ बल्ले में बजाते रहो। चीची बोल रहे, इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारे बहुआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो हेलो, पीछे बड़ी आवाज आ रही है। हेलो, कौन? देखिए, मैं आपको हेलो बोलूं, हाय बोलूं, नमस्ते बोलूं, क्या बोलूं? अबे कुछ भी बोल, बट जल्दी बोल, है कौन? तो जी मैं अपने आप को मैं बोलूं, माईसेल्फ बोलूं, मी बोलूं, आई एम बोलूं, या क्या बोलूं? तू एक काम कर, अपने आप को क्या बोलो, जल्दी बोल, क्या बोलना है? मैं बउआ बोल रहा हूं। और एक सेकंड, हेलो। हाँ बोल। अब मैं तुझे बोलूं, तुमको बोलूं, तू बोलूं, आप बोलूं, या ए, ये बोलूं आपको? अबे तुझे बोलना क्या है, जल्दी बोल। नहीं मतलब मैं काम बताऊं, बात घुमाऊं, सीधा पॉइंट पे आऊं, या क्या करूं? अबे हजार बार बोल रखा है, जल्दी आ, जल्दी आ, जल्दी आ, क्या पॉइंट पे आ। सॉरी सॉरी, आप गलत बोल रहे हैं। देखिए आप, तू नहीं गलत बोल रहा, साढ़े एक घंटे से एक सेकंड, मैं आपको देश के बारे में बताऊं, अपने बारे में बताऊं, आपके बारे में बताऊं, या कुछ स्पेशल डिमांड है वो बताऊं? अपने बारे में बता, कौन है तू? गलत बोल रहे हैं, मत बोलिए, चुप हो जाइए, औकात में रहिए। इसमें से क्या बोलूं मैं आपको? तुझे औकात पता है मेरी? बताओ तुझे औकात। देखो मैं आपको दोबारा समझाऊं, पुलिस को बोलूं या घर पे लड़के भिजवाऊं, बताओ? तू खुद आ, कितने लड़के लेके आएगा तू? भाई ये हेलो, अब एक बार फिर मिलाऊं, ये छोड़ दूं, या अपनी औकात पे आके मिला ही लेता हूं, ठीक है? हेलो, अब फिर से हाय बोलूं, नमस्ते बोलूं, क्या बोलूं? मतलब एक सेकंड, आप समझे नहीं। बेसिकली क्या है ना, मैं हर बात बात पे आपको ऑप्शन दे रहा था कि हाय बोलूं, हेलो बोलूं, आप गंदा बोले जा रहे हैं। एक काम कर, चल मैं तुझे ऑप्शन देता हूं। आप क्या ऑप्शन दे रहे हैं? तुझे गाली दूं, तेरे बाप को गाली दूं, तेरे खानदान को गाली दूं, या फिर तेरी गर्लफ्रेंड को दूं? आप बहुत घटिया इंसान है, ये बोलूं हैं? आपको आपकी औकात दिखाऊंगा, ये बोलूं, या चीची मत बोल, ये पागल आदमी, ये बोलूं? तू कुछ बोल मत, घटिया आदमी है, ये बोलूं? पलट के मैं भी चीची बोलूं, तुझे दोबारा लगाऊं? 93.5 FM बजाते रहो, जरूरत से ज्यादा ऑप्शन ना देना। बउआ बल्ले, नमस्ते।